ये जो प्यारा सा डब्बा देख रहे हो, ये चंद्रयान 3 मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आज हम जानेंगे इसके पीछे की इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। नैव कैम यानी कि नेविगेशन कैमरा, इसे इसरो ने चांद पे काम करने के लिए डिजाइन किया है। ये रेडिएशन प्रूफ है एंड -200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है। बेसिकली ये मून के सर्फेस पर इसरो की आंखें हैं। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रज्ञान रोवर सेमी ऑटोनॉमस है। इसे मूव करने के लिए इसरो के साइंटिस्ट इसे अर्थ से कमांड सेंड करेंगे, बट उसके लिए उन्हें चाहिए होगा मून के सरफेस का डेटा। एंड यहीं पे काम आता है हमारा नेविगेशन कैमरा। 2009 में स्पिरिट रोवर मार्स पे अटक गया था, क्योंकि जिस सरफेस पर वो चल रहा था वहां की मिट्टी काफी सॉफ्ट थी और उसके टायर जमीन में धस गए। हमारे साथ ऐसा ना हो इसलिए इसरो ने प्रज्ञान रोवर में 2 नेविगेशन कैमरे लगाए हैं, जिनकी मदद से रोवर को गाइड किया जाएगा। चंद्रयान के मून पे लैंड करने के थोड़ी देर बाद रोवर डिप्लॉय होगा। रोवर के नेविगेशन कैमरे से आ रही इमेजेस को सेंड किया जाएगा ग्राउंड स्टेशन को, जहां पर एक अलग सिस्टम इन इमेजेस को यूज करके मून के सरफेस का एक 3D एलिवेशन मैप बनाएगा। एंड इसी 3D मैप को एनालाइज करके इसरो के साइंटिस्ट रोवर की ट्रैजेक्टरी एंड पाथ को प्लान करेंगे। मून के सरफेस पे कई सारे छोटे छोटे रॉक्स और क्रेटर्स हैं, इन्हें सैटेलाइट से आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल होता है, इसीलिए रोवर नेविगेशन कैमरे की मदद से अपने आसपास के एरिया का एक 3D मैप बनाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। कंप्यूटर विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा चंद्रयान मिशन की सक्सेस पे। अब इसरो ने तो अपना काम कर दिया है चंद्रयान मिशन बना के, अब एज अ इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे को सीखना। सो लेट मी एक्सप्लेन कि रोवर इस कैमरे की 2D इमेजेस को लेके किस तरह से 3D एलिवेशन मैप में कन्वर्ट करेगा। इमेजिन ये है हमारा रोवर और अचानक से इसके सामने एक एलियन आ जाता है। रोवर में 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और उनसे कुछ इस तरह की इमेज आएगी। दोनों कैमरों के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस है, इसलिए दोनों की आउटपुट इमेजेस और व्यू पॉइंट एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होगा। पहले एक टेम्पलेट मैचिंग एल्गोरिथम इमेजेस को सर्च करके पता लगाएगा कि ये एलियन हमारी इमेजेस में आखिर है किधर, और हमें बताएगा उसके कोऑर्डिनेट्स, जिसे यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे डिस्पैरिटी। इससे हमें पता चलेगा एलियन की पोजीशन का डिफरेंस दोनों कैमरों के व्यू पॉइंट से, और फिर इस इक्वेशन को यूज करके हमें मिल जाएगा एलियन का डिस्टेंस। इसरो कौन से एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर यूज करके 3D मैप बनाएगा इसका डेटा तो मेरे पास नहीं है, बट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं 3D मैपिंग का एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ इंटेल का D435i डेप्थ कैमरा अपनी टेबल स्कैन करने के लिए। बिहाइंड द सीन्स ये कुछ ऐसा दिखता है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा सीन जो हम स्कैन कर रहे हैं, उसके नीचे ग्रीन कलर से हमारा डेप्थ मैप, राइट कॉर्नर में है हमारे सीन का 3D मॉडल, और ये है हमारे स्कैन का फाइनल आउटपुट। हमने कैमरे का RGB डेटा और डेप्थ मैप को कंबाइन करके अपने सीन को 3D में रिक्रिएट किया है। इस स्कैन को देख के आप पता लगा सकते हो टेबल पे रखी हुई किसी भी चीज का शेप एंड साइज। इमेजिन करो ये 3D मैप रोवर ने बनाया है। अब रोवर के सामने कोई भी चीज आती है, हम उसका साइज और डिस्टेंस मेजर करके उसे अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे इसरो के साइंटिस्ट भी करेंगे। वो मून का 3D मैप देख के अंदाजा लगाएंगे कि सामने आई हुई चीज कितनी बड़ी है। अगर वो छोटी होगी तो रोवर उसके ऊपर से आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो रोवर उसे अवॉइड करेगा। ये तो था एक छोटा सा स्कैन, बट रियलिटी में रोवर मून के सरफेस पर मूव करेगा और कई सारे छोटे छोटे स्कैन्स को कंबाइन करके एक बड़ा मैप बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है मेरे घर के पास एक कवर्ड पाथवे, या फिर हिंदी में छत वाला रास्ता। रोवर की स्कैनिंग प्रोसेस को सिमुलेट करने के लिए मैंने इस रास्ते को चलते हुए स्कैन किया, और ये है उसका रिजल्ट। यहाँ पे आप कई सारे फीचर्स नोटिस कर सकते हो, जैसे कि पिलर्स, रेलिंग्स, रूफ और हमारा रास्ता। ये ब्लू लाइन वो पाथ है जिसमें मैं चल के गया, और ये ब्लू डॉट वो पोजीशंस है जहां पर पुराने स्कैन और नए स्कैन को मर्ज करके ये मैप बनाया गया। इस ब्लू लाइन की लेंथ कैलकुलेट करके आप पता लगा सकते हो कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया। थोड़ा सा क्लीन अप करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आई नो ये इतना सेक्सी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैं स्कैन कर रहा था कोई ना कोई रैंडम अंकल बीच में से जा रहे थे। जब भी इसरो कोई मिशन करता है हम रॉकेट उड़ता देख के एक्साइटेड तो हो जाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। सो हमने डिसाइड किया कि इन्हीं छोटे छोटे एडवांसमेंट्स को एक्सप्लोर करना और लोगों के साथ शेयर करना। फिलहाल तो मैं चंद्रयान को कवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट में बताना एंड सब्सक्राइब।